हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमें हमारे पॉपुलर वीडियो हाउ टू ग्रो बिग कोडेक्स ऑन अडेनियम्स के ऊपर रिपीटेड रिक्वेस्ट मिल रही है कि कैसे हम अपने अडेनियम को हैंग करें, सॉइल लेस करें। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सही वक्त कौन सा है, किस प्रकार से हम अपने अडेनियम को हैंग कर सकते हैं। हमारे व्यूअर्स का बार बार एक प्रश्न रहता है कि क्या अभी हम अपने अडेनियम को हैंग कर दें, तो उसका जवाब यह है कि ये आपको गर्मियों की शुरुआत में करना है। अभी फरवरी एंड चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट समय है कि आप अपने अडेनियम को बेयर रूट करके, प्रून करके हैंग करें। दोस्तों, हमारे पास में अभी हैं दो अडेनियम्स। वैसे हमारे अडेनियम कलेक्शन में 100+ अडेनियम्स हैं, तो आइए इन अडेनियम्स को हम बेयर रूट करते हैं। उसके बाद हम इसे रूट प्रून करेंगे, ब्रांच प्रून करेंगे और इसे हम फंगीसाइड के इस्तेमाल के बाद हैंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क। सॉइल से निकालते समय आप इस तरीके की नाइफ से पॉट की साइड में जो सॉइल है उसे आप थोड़ा सा स्क्रैच कर दें। इस टेक्निक से जो रूट्स पॉट के किनारों के ऊपर आके चिपक गई है वह दूर हो जाती है और प्लांट आसानी से पॉट से बाहर आ जाता है। हमने लगभग सॉइल इसकी सारी हटा दी है, लेकिन हम इसे पानी से अच्छी तरीके से धोएंगे, उसके बाद हम इसकी रूट्स की प्रूनिंग करेंगे। दोस्तों, अब हम इसकी ब्रांच प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग करेंगे। जो इसकी रूट्स है इसको हमने धो के अच्छी तरीके से सारी सॉइल इसमें से हटा दी है। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रांच प्रून करेंगे। ब्रांच प्रूनिंग के अंदर जितनी भी ब्रांचेस आपको लंबी लंबी दिखाई दे रही है, इन्हें हम काट के लगभग 2 से 3 इंच के ऊपर छोड़ देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 ब्रांचेस आ रही है, तो हमें इस ब्रांच को प्रून करना है ताकि वापस 2 से 4 हो, तो यहाँ से हम काटेंगे। तो हमने इसकी सभी ब्रांचेस को प्रून करके शॉर्ट कर दिया है। अब यहाँ से नई ग्रोथ आएगी, रेमिफिकेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप है इसकी रूट्स की प्रूनिंग। सभी रूट्स को आप थोड़ा थोड़ा काट दें ताकि वहाँ से रूट्स का रेमिफिकेशन हो। जितने भी कट्स हैं इनके ऊपर हम फंगीसाइड लगाएंगे। फंगीसाइड के उपयोग से जो हमने कट लगाए हैं वहाँ से रूट रॉट नहीं होता है, और अडेनियम की एक सबसे बड़ी जो कमजोरी है वह रूट रॉट है। रूट रॉट से जो बिगिनर्स हैं उनके अडेनियम में काफ़ी डैमेज होता है। तो आप जब भी इस तरीके से कोई काम करें तो फंगीसाइड जरूर इस्तेमाल करें। हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया है। जहां भी कट्स थे वहां पे फंगीसाइड लगा के सील कर दिया है। अब हम इसे हैंग करेंगे।
हैंग हमें शेड में करना है। याद रहे आप कमरे में भी रख सकते हैं या ऐसी जगह जहां पे धूप न आती हो। हैंग हम 10 से 15 दिन के लिए करेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर नज़र रखेंगे। कभी कभी हम इसके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे करते रहेंगे। तो अब वक्त आ गया है कि इसे हैंग कर दिया जाए। हमारे पास बहुत सारे अडेडियंस हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा, सबको हम बेयर रूट करके हैंग करेंगे।